एस्ट्रोलॉजर मेहताजी का नमस्कार। दोस्तों, वीडियो की टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस विषय में बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, 22 मार्च 2020 को मंगल ग्रह अपनी राशि बदलने वाले हैं। जब भी मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो समस्त सृष्टि में बड़ा बदलाव होता है। समस्त ब्रह्मांड में शक्तिशाली और पराक्रमी ग्रह मंगल ग्रह 21 मार्च तक धनु राशि में विराजमान थे। वह 22 मार्च रविवार को 2:40 पर धनु राशि से निकलकर आपकी खुद की राशि मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसके चलते 22 मार्च से लेकर अगले 45 दिन यानी कि 4 मई तक मकर राशि वालों के जीवन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर बताकर मुझे खुशी हो रही है कि यह संयोग मकर राशि वालों के लिए भाग्य बनकर आया है, क्योंकि शनि ग्रह अपनी स्वराशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जबकि मंगल ग्रह अपनी उच्च राशि यानी कि आपकी राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल का यह राशि परिवर्तन आपके लग्न भवन में हो रहा है, साथ में शनि मंगल की युति भी हो रही है। दोस्तों, आपके करियर को लेकर यह राशि परिवर्तन बड़ा शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि यह परिस्थिति हजारों सालों के बाद बन रही है, जो किस्मत के दरवाजे खोलने वाली साबित हो सकती है। दोस्तों, काल पुरुष की कुंडली में मंगल ग्रह प्रथम भाव एवं अष्टम भाव का स्वामित्व भी करता है, इसलिए यह समय में आपकी धन की स्थिति में सुधार होगा। आप में से कई जातक जो भी काम करेंगे उसमें विजय का परचम लहराएंगे। व्यापार व्यवसाय से तो धन लाभ होगा, लेकिन साथ में आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर रह सकती है। यह स्थिति आपके नौकरी में बढ़ोतरी दिला सकती है, और यदि आप अपनी नौकरी बदलने का मन बना चुके हैं तो निश्चित रहिए योग कारक शनि आपके साथ अन्याय नहीं होने देने वाले। दोस्तों, साथ में एक और जानकारी से भी अवगत करा देता हूँ, मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन न केवल आपके अंदर के गुस्से को बढ़ाएगा, यहाँ तक आप दुस्साहसी भी हो सकते हैं। इसका असर सीधा आपके दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ सकता है, इसीलिए सबसे पहले सावधानी प्रेम जीवन विवाहित जीवन में रखनी होगी। दोस्तों, यह समय में विद्यार्थी जातकों को अपनी शिक्षा में कुछ रुकावटों का सामना भी करना पड़ सकता है। धन की स्थिति में तो सुधार होता नजर आएगा, लेकिन आपको स्वास्थ्य को लेकर संभल कर रहना होगा। दोस्तों, निश्चित ही इस समय में आपको संतान संबंधित शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केंद्र भवन लक्ष्मी जी का स्थान माना जाता है। वहां पर नौकरी के कारक शनि ग्रह का विराजमान होना और मंगल के साथ युति बनाना सरकार से जुड़े जातकों को लाभ दिलाएगा। आपकी सैलरी में वृद्धि के साथ सरकार की ओर से बड़ा तोहफा भी मिल सकता है, लेकिन साथ में जो सरकारी नौकरी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें बड़ी सफलता लग सकती है। यह योग बहुत ही मजबूत माना जाता है। दोस्तों, निश्चित ही आपके जीवन में धन का आगमन होने वाला है। जिस तरह मंगल की गति तेज है, उसी तरह आपके पराक्रम में वृद्धि के चलते आप कठिन से कठिन लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहेंगे। दोस्तों, निश्चित ही 22 मार्च से 4 मई आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। आर्थिक मामले को लेकर सावधान रहना होगा। प्रेमी जातक अपने रिश्ते को शादी में तब्दील करने में सफल रहेंगे। निश्चित ही इस महीने आपको बड़ी जिम्मेदारी संभालने का अवसर प्राप्त होगा। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। यह थी मकर राशि वालों के बारे में कुछ जानकारियाँ।